जैसा यूपी बिहार में होता है कि किसी को भी उठा कर लेकर आओ, कोई भी हो, थोड़े दिन लोगों को बेवकूफ बनाकर डायलॉग डिलीवरी करके थोड़े बहुत उनको लटके झटके दिखाकर ये राजनीति हिमाचल में नहीं चलेगी। ये राजनीति हिमाचल इस देवभूमि में नहीं चलेगी। जो कहते हो कि हमें जो है बीफ खाने में कोई एतराज नहीं है और आप जय श्री राम बोल रहे हैं। और ये जो लोग कहते हैं कि आती है और ढिंचक करती है, मैं उस बंदे को बुलाना चाहती हूँ और उसको अपनी फिल्म का मैं एक सीन दूंगी, और अगर वो मेरी फिल्म का वो सीन कर दे तो राजनीति को क्या मैं भारत छोड़ के चली जाऊंगी। अगर वो मेरी फिल्म का एक सीन जो मैं उसको दूं तो अगर वो कर दे तो राजनीति को क्या मैं भारत छोड़ के चले जाऊंगी। हम कला को नहीं चुनते हैं, कला हमें चुनती है, कला साक्षात सरस्वती है। मुझे कहते हैं इसको क्या राजनीति आती है। अरे मैं पूछती हूं तुम्हारे पास क्या डिग्री है राजनीति की, मुझे दिखाओ। तुमने राजनीति में डॉक्टरेट की है क्या, क्या आता है तुम्हें, मुझे दिखाओ वो डिग्री। राजनीति एक भाव है, सेवा करने का एक भाव है जो राजा में आ सकता है, रंक में आ सकता है। जो कंगना जी ने कहा कि उनकी फिल्म का हम कोई सीन करके दिखाएं, हमें उनकी फिल्मों का सीन नहीं करना है, हमें अपने लोगों के बीच में रहना है। हम सुख दुख में उनके साथ हैं और पिछले 40 सालों से अपने लोगों के बीच में हैं। ये 40 दिनों का जो नाट्यक्रम जो हिमाचल में चल रहा है, और बड़ी हैरानी की बात है जिस प्रकार से कंगना जी आपने मनाली में जनता को संबोधन किया, आप ऐसा किसी फिल्म की अपनी प्रमोशन कर रही लग रहा था आपको। घर घर लक्ष्मी ये कार्यक्रम है। एक कोरोने को ले तो 1500, दो ही होली तो 3000, त्राई होली तो 4500, चार होली तो 6000। सुना भाई, बोला एक होला, एक 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 महिला होला तो 1500 रुपए, दो ही होला तो 3000, त्राय होला था 4500, चार होला था 6000। ये कुल्लू की भाषा में बोला गया। वाह धन्य हो प्रभु, धन्य हो, धन्य हो। 60 साल की जो महिला है, बेटियां है, या हमारे जो माताएं बहने हैं, सबके लिए जो है 1500 रुपए महीना। ऐसे ही सरकार बनेगी, एक हफ्ते के अंदर आपके जनवरी महीने में आपके खाते में 1500 रुपए होंगे। ऊंचे क्षेत्र, नीचे क्षेत्र, इवन जो हमारे जो है प्लेन का जो जो मैदानी क्षेत्र है उसमें भी, ये मैदानी क्षेत्र है जहाँ पे ये खेती लगी है, ये उत्तराखंड का मैदानी क्षेत्र है और यहाँ पे ये खेती लगी है और कॉन्ट्रेक्चुअल फार्मिंग है। ऐसे में एक बहुत बड़ा कदम है हिमाचल में जो भांग की खेती को लीगल किया जा रहा है और ये नशा मुक्त भांग है। तेरी साहिबा, तेरी साहिबा।